क्या लगता है सर, टेस्ट जिस तरह से हो रहा है, बहुत दिनों से टेस्ट चल भी रहा है और एग्जाम काफी नजदीक आ गया है सर, लगभग अभी कितना दूर रहते हैं? लगभग एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम लेने वाला है सर, काफी कम दिन है, छात्रों को क्या बोलिएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, छात्रों से तो यही बोलेंगे कि अब जितना भी आप लोग पढ़ लिए उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए, कुछ नए चीज़ों पर दिमाग मत लगाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हो, जो आपका अपना पेपर है, जो सिलेबस बीपीएससी सुपर टेट की है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। और इसी कड़ी में हम लोग बच्चों के लिए, कल रविवार है और कल हम लोग महामैराथन भी रखे हैं द प्लेटफॉर्म 1.0 पे, ताकि बच्चे 12 घंटे लगातार हम वो सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन, 12 घंटे लगातार मैराथन कराइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल द प्लेटफॉर्म घंटे लड़के पढ़ पाएंगे सर, आपको लगता बिल्कुल, है? बिल्कुल पढ़ेंगे, दिनकर जी कहे थे और वो बच्चे को भी हम लोग बोल रहे हैं कि नींद कहाँ अपनी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पाँव में पड़ते छाले हैं। अच्छा। इसलिए बच्चे भी 12 नहीं बल्कि 24 घंटे पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। एक और समस्या है सर छात्रों के साथ, नेट वाली समस्या, 12 घंटा कोई नेट चल नहीं सकता हमको लगता है। नहीं, नेट नहीं चलेगा, फिर रिचार्ज होगा लेकिन देगा, रिचार्ज होगा लेकिन देखेंगे देखेंगे बस। अच्छा सर, बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है और बीपीएससी की जो क्वेश्चन का लेवल रहता है सर, काफी हार्ड देखा जाता है कि बीपीएससी काफी मतलब अंदर से पूछता है और एनसीईआरटी पैटर्न पे लगभग टोटल सवाल रहते हैं, तो क्या कुछ अंतर दिखने को मिलेगा पिछले एग्जाम से और इस बार? बिल्कुल मिलेगा, बीपीएससी इस बार जो सुपर टेट का एग्जाम लेगी तो बीपीएससी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक होती है उसी बुक से सारा क्वेश्चन सेट करेगी, जैसा बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष साहब बोले थे। इसलिए बच्चों को उसी पैटर्न पर, एससीईआरटी बुक के पैटर्न पर ही अपनी तैयारी करनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएंगे। एक और चीज है सर, इधर काफी लोग बोल रहे हैं कि बहन पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे लेकिन बीबी नहीं पढ़ाएंगे, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर कि तमाम शादीशुदा महिलाएं भी हैं और सभी लोग लगभग 50% शादीशुदा है सर। जो एसडीएम वाली घटना हुई है उस पर सभी लोग बोल रहे हैं कि बहन को पढ़ा देंगे, बेटी को पढ़ा देंगे लेकिन बीबी को नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या यहाँ पे कोई पति अपनी बीबी को नहीं बुला रहा है क्या? यहाँ पे काफी शादीशुदा महिलाएं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं टेस्ट देने के लिए, समझिए सब अच्छी तरीके से दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि किसी एक लड़की के बदनाम हो जाने से, एक लड़की के का गलत करने से सारी लड़की बदनाम कभी नहीं हो सकती है और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटफॉर्म की लड़कियाँ बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद बदलने वाली नहीं है, इतना विश्वास। और सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कहीं की लड़की जो है 99% नहीं बदलने वाली, 1% को तो अब बात समझिए। बिल्कुल, आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं।